के साथ अगले सवाल पे चलते हैं। जैसे हमने जाना कि ये जो हमारा ऑर्गन है वो रिट्रीव किया जा सकता है एक कैडवर से, जो कि ब्रेन डेड एक पेशेंट होता है उससे, तो क्या सर हमें ये ऑर्गन जब हम रिट्रीव करते हैं तो किस तरह से हम किस सोल्यूशन में या कैसे इनको प्रिजर्व करते हैं और किस तरीके से वहां पहुंचाते हैं जहां पे हमें एक व्यक्ति की जरूरत होती है, या क्या टाइम फ्रेम तक हम इसको बचा के रख सकते हैं? तो जब भी हम ऑर्गन हार्वेस्ट करते हैं विनी, हार्ट है, लंग है, लीवर है और किडनी है। सो डोनर में इन ऑर्गन को प्रिजर्व करने के लिए हम स्पेशल सॉल्यूशन है, जिसको लंग के केस में हम परफाडेक्स के नाम से जाना जाता है, और ये तकरीबन 4 या 5 लीटर सॉल्यूशन लंग्स के अंदर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हम इसको इंजेक्ट करते हैं इन 20 मिनट्स टू 25 मिनट्स, सो दैट इट वॉशिज आउट द ब्लड एंड गिव द न्यूट्रिशन एंड द प्रिजर्वेटिव सब्सटेंस, प्रोटेक्टिव सब्सटेंस टू द लंग टिश्यूज। उसके बाद इनको 3 to 4 डिग्री पे हार्वेस्ट करके हम परफाडेक्स सॉल्यूशन के अंदर ही ट्रिपल बैग के, स्टराइल बैग के अंदर हम इनको कैरी करते हैं। और जनरली आफ्टर हार्वेस्ट 6 आवर्स इज ए वेरी कंफर्टेबल टाइम फ्रेम जिसके अंदर अंदर ये लंग्स रेसिपिएंट के अंदर इम्प्लांट होके और दे शुड स्टार्ट गेटिंग द ब्लड सप्लाई फ्रॉम द रेसिपिएंट। बट कुछ केसेस में इसको लंग के केस में 8 से 9 घंटे तक भी एक्सटेंड किया जा सकता है अगर जरूरत पड़े तो। जी बिल्कुल। तो जैसे महेश कुमार गुप्ता जी हमें पूछ रहे हैं कि क्या मुझे किडनी की जरूरत है, मुझे किडनी प्रदान की जाए या मुझे दी जाए, इस तरीके से तो हम किसी को ऑर्गन नहीं दे सकते। क्या ऐसा कोई सिस्टम है हमारे देश में जिससे कि कोई रजिस्ट्री होती है और डोनर्स उसी के बेसिस पे डोनर्स चुने जाते हैं? किस तरीके से डोनर जो है हम चुनते हैं हमारे स्पेशली लंग या हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए? तो सबसे पहले ये जो रजिस्ट्री है, जो डोनर रजिस्ट्री है, ये किसी ऑर्गन स्पेसिफिक नहीं है। हर एक व्यक्ति को नोटो के पास अपने आप को रजिस्टर करना चाहिए एज एन ऑर्गन डोनर। ये नोटो एक वेबसाइट है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलाती है, NOTTO, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर सफदरजंग हॉस्पिटल में है और जो डायरेक्टर इसके डॉक्टर ही इसको हैंडल करते हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेल्थ मिनिस्ट्री इसको अपॉइंट करती है। तो जैसे महेश जी को एक किडनी की जरूरत है तो वो जिस भी नेफ्रोलॉजिस्ट के साथ फॉलो अप में है वो उनसे बात करें तो वो उनको उस हॉस्पिटल के थ्रू नोटो में रजिस्टर कर देंगे। तो द ऑर्गन अलोकेशन इज स्ट्रिक्टली फर्स्ट कम फर्स्ट सर वेटिंग लिस्ट के हिसाब से। तो जैसे ही इनका नंबर जो उस वेटिंग लिस्ट में आएगा तो ही विल बी इन्फॉर्म्ड कि आपके लिए किडनी अवेलेबल है, यू कैन कम एंड गेट ए ट्रांसप्लांट। सो यही बाकी ऑर्गन के लिए भी होता है, हार्ट के लिए, लंग के लिए, लिवर के लिए, कि जिस भी हॉस्पिटल में आप अपने डॉक्टर के पास फॉलो अप में हैं उस पर्टिकुलर बीमारी के लिए तो वो आपको नोटो में रजिस्टर करते हैं। और फिर आपकी जो नोटो के अंदर रजिस्ट्री में जो वेटिंग नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, उसके हिसाब से यू आर कॉन्टेक्टेड कि आपके लिए ऑर्गन अवेलेबल हो गया है और आप इसको, अगर आप चाहते हैं तो आप यू कैन अंडरगो ए ट्रांसप्लांट। अगर कोई रिफ्यूज करता है सो देन ही इज पुट इन द लास्ट ऑफ द लिस्ट। ऐसा नहीं है कि आज रिफ्यूज कर दिया और कल कह रहे कि जी आज कर दीजिए, आज एक और ऑर्गन बना है। सो ही इज पुट इन टू द लास्ट ऑफ द लिस्ट। तो ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए।